हेलो जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, और ये गांधी जी की इस बार 150वीं जयंती है। तो इस मौके पे मैं आपको एक कविता सुनानी चाहता हूँ। ये कविता ऑल महिलाओं के बारे में और उनके अभी के हालातों के बारे में है। तो ये रही है आपके साथ। उस बच्ची का किस्सा सुनकर मेरा मन घबराता है। देख किनारी की अवस्था, मुझको गुस्सा आता है। मर गई है इंसानियत इस वासना की छाया में, मर गई है इंसानियत इस वासना की छाया में। ऐसा तो तब भी हुआ ना था रावण के राज में। स्कूल में जाने से भी बच्चे कतराते हैं, स्कूल में जाने से भी बच्चे कतराते हैं। जगह जगह काले साए उन पे मंडराते हैं। बात ना रही सुरक्षा की स्कर्ट पहने नारी की, बात ना रही सुरक्षा की सिर्फ स्कर्ट पहने नारी की। वो नहीं सुरक्षित अब क्या बुरके क्या साड़ी में। वो था समय निराला जब मिटे चिराग कहलाते थे। अब ये है राक्षस ऐसे, अब ये है राक्षस ऐसे कि माँ कहती है क्यों पैदा होते हैं लड़के। वायस गिद्ध भी हमसे लज्जित, वो तो मृत शरीर को खाते हैं, वो तो सिर्फ मृत शरीर को खाते हैं। हम इंसान हैं ऐसे कि अपने बच्चों को भी नोच नोच खाते हैं। क्या करेगी कोर्ट कचेरी, क्या करेगी सरकार हमारी। नहीं बदलेगी नारी की परिस्थिति, नहीं बदलेगी नारी की परिस्थिति जब तक ना बदले सोच हमारी। आगे की कुछ पंक्तियां कवि महिलाओं को संबोधित करके बोलते कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुन मेरे तू देश की नारी, भूल गई क्या तू है दुर्गा तू है काली। बहुत दिखाई तूने ममता, बहुत दिखाया प्रेम। आह्वान है मेरा तुझको अब से, आह्वान है मेरा तुझको अब से। तू रौद्र रूप में आएगी जो ना करे सम्मान तेरा, जो ना करे सम्मान तेरा। संवार उनका कर तू जाएगी, जो ना करे सम्मान तेरा। संवार उनका कर तू जाएगी, जो ना करे सम्मान तेरा। संवार उनका कर तू जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को भी सेलिब्रेट या प्रमोट करते हैं। उसी के साथ मुझे लगता है कि जो हमारे देश की परिस्थिति अभी है, इसको देखकर हमें ना कि सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि हमारे सोच को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रमोट करना चाहिए। यही एक मैसेज आपको देना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, शबा खैर। टिल देन बिलीव इन योर ड्रीम गाइस, बाय।